नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को तीन जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और दोस्तों सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों हम काफी जॉब्स का अपडेट देते रहते हैं, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो आज की पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है वो पोस्ट की गई है दोस्तों विप्रो की तरफ से, और दोस्तों विप्रो का विल्प ऑफ कैंपस हायरिंग 2022 लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करता हूं तो दोस्तों 24 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, और या 2020-21 वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए भी दो अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी होने वाली है। सीटीसी की बात करते हैं तो दोस्तों 15,488 से 24,000-22,000 के आसपास तक का आप सभी को मिल सकता है। विप्रो इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम इज अ यूनिक लर्निंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच ऑफर्स बीसीए एंड बीएससी स्टूडेंट्स अ चांस टू मींस दोस्तों ये जो प्रोग्राम होता है ये सिर्फ और सिर्फ बीसीए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए होता है। साथ ही साथ दोस्तों एमटेक आपको स्पॉन्सर की जाती है विप्रो की तरफ से। यहाँ दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड आप सिर्फ पास, 12th पास, ग्रेजुएशन में 60 या 6 सीजीपीए। बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग 2022, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ साइंस दोस्तों एलिजिबल होने वाले हैं। अदर क्राइटेरिया दोस्तों इन्होंने यहां सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम दोस्तों 3 साल का गैप अलाउड होने वाला है, नो गैप आर अलाउड इन, मीन्स दोस्तों कोई भी गैप आपका ग्रेजुएशन में नहीं होना चाहिए। स्टाइपेंड दोस्तों इंक्रीज होने वाला है आपका, फर्स्ट ईयर में 15 है, सेकंड ईयर में 17 है, थर्ड ईयर में 19 और फोर्थ ईयर में दोस्तों आपका हाईएस्ट हो जाएगा। और दोस्तों सर्विस एग्रीमेंट जो है दोस्तों 60 मंथ्स का, दैट इज 5 ईयर्स का होने वाला है, 5 ईयर्स में दोस्तों आपकी एमटेक भी इंक्लूडेड है। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा, अपनी ईमेल आईडी पे अपनी ईमेल आईडी जरूर फिल कर दीजिएगा और दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी ये काम नहीं कर रहा है तो एक रिक्वेस्ट है यार, आप सभी जरूर अप्लाई करिएगा, मे बी थोड़ा नेट इशू आ गया है तो आप सभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया था और वर्क कर रहा था जब तक मैं आप सभी को सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पोस्ट की गई है ग्लोबल एज कंपनी की तरफ से। ग्लोबल एज की बात करूं तो दोस्तों ग्लोबल एज इज अ पार्ट ऑफ कैपजेमिनी, ग्लोबल एज इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैपजेमिनी, इज अ ग्लोबल लीडर इन, तो दोस्तों आप देख सकते हो कैपजेमिनी का पार्ट है, तो सोच सकते हो कितनी अच्छी कंपनी होने वाली है। यहाँ दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपको रोल मिलने वाला है। आइडियल कैंडिडेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, ये सारी स्किल्स इन्होंने मेंशन कर रखी है। फंडामेंटल नॉलेज ऑन द आईओएस डेवलपमेंट, बाकी दोस्तों हैविंग डन विद आईओएस, आपको आईओएस की नॉलेज होनी चाहिए। फैमिलियरिटी विद रेस्टफुल एपीआई, आपको रेस्टफुल एपीआई की नॉलेज होनी चाहिए। सीटीसी की बात करते हैं तो दोस्तों 4 LPA तक का पैकेज आप सभी को मिल सकता है। सर्टिफिकेशन दोस्तों आईओएस इंजीनियर या फिर डेवलपर में होता है तो नाइस टू हैव, जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो। सर्विस एग्रीमेंट कोई नहीं होने वाला। और लोकेशन की बात करता हूं तो दोस्तों बैंगलोर, वर्क फ्रॉम ऑफिस या होम आपको चॉइस मिलने वाली है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बीईपीटेक 2020 एंड 2021 एलिजिबल होने वाला है। इंजीनियर ब्रांचेस की बात करते हैं तो ईसीई, आईएससी, आईटीई, सीएससी एंड टेलीकॉम, 10th, 12th एंड इंजीनियरिंग में 60%। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर डिस्कशन। और दोस्तों इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट डेट एंड टाइम विल बी अपडेटेड टू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। सो दोस्तों जो जो रजिस्टर करने वाला है उन सभी के मेल पर उनको डेट और टाइम का अपडेट मिल जाएगा। बात करते हैं कैसे रजिस्टर करना है, तो पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैं आपको आज की लास्ट इन्फॉर्मेशन, लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ दोस्तों आपको जावा फुल स्टैक का रोल मिल सकता है। हायरिंग प्लान 2021, लोकेशन अहमदाबाद, बैंगलोर। तो दोस्तों अगर मैं सीधा बात करता हूँ तो एक प्रोग्राम है एडवांस सर्टिफिकेशन इन जावा स्टैक, जावा फुल स्टैक प्रोग्राम, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन दोस्तों जीईटी का मिलने वाला है, फुल टाइम जॉब है। अगर दोस्तों सैलरी फॉर वन ईयर आपकी 1.95 है, बट दोस्तों उसके बाद आपको 5 LPA तक का पैकेज मिल सकता है, एक चीज ये देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों 2020 and 2021 एलिजिबल है। बीई बीटेक में CS IT एंड ENC, लोकेशन दोस्तों आप देख ही सकते हो। सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर द प्रोग्राम विल साइन अ टू ईयर एग्रीमेंट, या टू ईयर एग्रीमेंट भी मुझे फायदा इसलिए लगा क्योंकि आपकी सैलरी सेकेंड ईयर में 5 LPA तक पहुंच सकती है।
बाकी जॉब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हैव इंटरेस्ट इन जावा टेक्नोलॉजीज एंड वेब डेवलपमेंट, वेर किसी अगर आप में से किसी को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या फिर आपके फ्रेंड्स को, तो उनके साथ इस अपॉर्चुनिटी को जरूर शेयर कीजिएगा। मस्ट हैव अकम्प्लिश्ड एकेडमिक, आपके जितने भी इंटर्नशिप या फिर कुछ भी आपने मीन्स जावा पर जेएसपी सर्वलेट्स जेडीबीसी पर बना रखा है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। प्रोसेस इन्होंने मेंशन कर रखी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप रीड कर सकते हो, और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर अप्लाई कर देना है। और बाकी में टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होने वाला, काफी सिंपल है। जो मैं मेन पॉइंट यही बताता हूँ कि आप एक बार सैलरी जरूर देख लीजिएगा, स्टूडेंट विल बी अटेंडिंग, जो आपको सिखाएंगे वो जूम पर सिखाएंगे, ये प्रॉपर एक प्रोग्राम है जो आप सभी के लिए होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट है यार, इसमें जरूर अप्लाई करिए, साथ ही साथ जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।